ये स्मार्ट सिटी बोलते हैं, हमको स्मार्ट सिटी नहीं बीमार सिटी लग रही है। शोलापुर का नाम बदनाम कर रहे महानगर पालिका के कर्मचारी या कोई अधिकारी इधर नकल ही नहीं देते। जो भी है अंजाम देना, नहीं तो आगे हम इसको आयुक्त तक जाएंगे, ये तकरार लेंगे। जय हिंद। शोलापुर स्मार्ट सिटी नहीं भीख मंगी सिटी है। रुग्ण सेवक लादी ने संतापले, पहा काय म्हणाले। तर मंडळी, याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी की सोलापूर शहर परिसरातील सुप्रसिद्ध रुग्णसेवक लादेने हे सोलापूर महानगरपालिकेवर चांगलेच संतापले आहेत। त्याचे कारण म्हणजे 2 दिवसांपूर्वी सोलापुरातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय अर्थात सिव्हिल हॉस्पिटल समोरील कट्ट्यावर एका बेवारस महिलेचे निधन झाले होते, त्यावेळेस त्यांनीही संतप्त प्रतिक्रिया दिलेली आहे। लादेन यांच्याबद्दल थोडक्यात माहिती म्हणजे बैतुल माल सिफा कमिटीच्या माध्यमातून सोलापूर शहर जिल्ह्यातील बेवारस मृतदेहांचे ते अंत्यविधी करण्याचे काम करतात। गेल्या अनेक वर्षापासून ही सेवा ते करत असून 2 दिवसांपूर्वी सिव्हिल हॉस्पिटल समोरील एका बेवारस मृतदेहासाठी ते गेले असता त्यावेळेस तेथील घाणीचे साम्राज्य पाहून ते संतापले। वेळोवेळी महानगरपालिकेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मी सांगितलं, सोलापूर शहर आपलं स्मार्ट होत आहे, अशातच या घाणीमुळे अनेकांना रोगराई होण्याची शक्यता आहे। महानगरपालिकेचे बेघर निवारा केंद्र आहे, परंतु त्या ठिकाणी अशा रुग्णांना नेण्यात येत नाही, फक्त नावापुरती स्मार्ट सिटी म्हणून घ्यायची का, असा सवाल करत बाहेरील लोक आता स्वतः म्हणत आहेत की तुमचं सोलापूर शहर हे स्मार्ट सिटी नाही, भीकमंगी सिटी आहे, असे म्हणत असल्याचे आक्रोश लादेन यांनी व्यक्त केले। पहा, जय हिंद। ये बैतुल माल सिफा कमिटी जो बेवारस सोलापूर जिले के जो सिव्हिल हॉस्पिटल के आवारा में जो दिखते ये गंदगी पूरी, इधर महानगर पालिका भी कोई ऑब्जेक्शन लेती ना, कोई इधर आता ना कोई झाँकता, खाली कोई भी माँ बाप हो या कोई औलाद हो, बच्चों बीबी रंदे पागल या बाप रंदे या बहन रंदे या माँ रंदे, इसी तरह यहाँ छोड़ के जाते। ये गंदे अभी कितनी खराब हुई 10-15 साल से यहाँ थे, इसके नाते हुए खाए पूरे, अदा को वहाँ पर भी जो है इतने बेवारस थे, इधर कमी कमी 10-15 बेवारस है, कोई भी इसके ऊपर दखल नहीं देता। और गंदगी तो इतनी है, रात में दरोज महानगर पालिका की गाड़ी साफ करने आती, वो कुछ काम नहीं करती। महानगर पालिका के कोई अधिकारी इधर ध्यान नहीं देते। मैं बार बार अधिकारी को भी बोला, झुंड के अंदर ये साफ सफाई करो, साफ सफाई कभी नहीं करे। मैं लगभग 4 महीने पहले से बोल रहा हूँ, दिसंबर से बोल रहा हूँ कि भाई इधर सब साफ सुथरा रखो, कोई दखल नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका वारिश इतने कोई महानगर पालिका भी कोई काम नहीं करती, और यहाँ पब्लिक भी देखती है चली जाती है। इसके अंदर सब लोग अगर तवज्जो देके ध्यान देंगे तो अपना महानगर पालिका हो या सिटी हो, ये स्मार्ट सिटी बोलते हैं, हमको स्मार्ट सिटी नहीं भिकमार सिटी लग रही है। ये जैसा भीखमंगा बोलते हैं ना, सिटी का नाम ही भीखमंगा वाला है हमारे। कहीं भी जाओ, अरे सोलापुर कहीं भी जाओ, गंदगी कितनी है। ये अच्छे लोग भी देखेंगे तो गंदगी है सोलापुर में, कितनी गंदगी है बोलते हैं। शोलापुर का नाम बदनाम कर रहे महानगर पालिका के कर्मचारी या कोई अधिकारी इधर नकल ही नहीं देते। आज भी आधी रात को तुम आओ, खाली गाड़ी साफ रास्ते पर करती बोलते, रास्ते पर भी साफ नहीं करती। वो उधर चौहान पुतले के जो चौहान पुतला है ना, सिविल चौक, और ये जो फेटपाली पुराना, वहाँ तक इतना गंदा रहता है, कोई भी दखल नहीं देते। हमारी बैतुल माल सिफा कमेटी से यही गुजारिश है कि पूरा साफ करना है इधर का, और इधर के व्यवहार इसका जो भी है अंजाम देना, नहीं तो आगे हम इसको आयुक्त तक जाएंगे, ये तकरार लेके। जय हिंद। ताजा बातम्या पाहण्यासाठी प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चैनल ला सब्सक्राइब करा।